सवेरा अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जा रहे हैं बाहर और आयशा की बर्थडे भी है, तो सोचा थोड़ा सा बाहर से घूम के आ जाओ। ट्रीट जो है वो अब्बू दे रहे हैं, ससुर जी दे रहे हैं, मतलब मेरी ससुर की तरफ से हैं। और हम सब जो साथ जा रहे थे हायरूफ में, ये रास्ते में हम निकल गए थे शाम के वक्त, मगरिब के बाद हम निकले थे। और काफ़ी हम जा रहे थे लकी वन, हम आपको उसका पूरा विजिट कराएंगे लकी वन में। और रास्ते में हम जो है ये स्नैक्स वगैरह खा रहे थे, तो बहुत भूख लग रही थी थोड़ी सी, तो हमने सोचा कि स्नैक्स वगैरह खा ले थोड़े से। और यहाँ बहुत इंजॉय कर रहे थे हम, सवेरा सो चुकी थी और यहाँ पर सब जो है वो खा रहे हैं। और आयशा को बर्थडे हमने घर पे नहीं करी और नहीं कहीं जाके करी है, हमने बस सोचा कि बच्चों को जो है घुमा के लेके आ जाते हैं। तो सब जो है पूरी फैमिली जो हमारी बाहर गई है, हम सब साथ गए थे और रेस्टोरेंट भी जाएंगे हम। तो ये वाले व्लॉग में हम आपको सिर्फ अभी लकी वन के दिखाएंगे और फिर नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको रेस्टोरेंट के दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स? और ये बस कुछ ही देर में हम पहुँचने ही वाले थे, हमारे घर से काफ़ी दूर है तो काफ़ी लंबा सफ़र था, तो बस हम लोग इंजॉय कर रहे थे। आप लोग भी हमारे साथ रहिएगा फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है? और ये देखिए फ्रेंड्स, बस आने ही वाला था गुलशन में, हम पहुंच गए थे, न्यूप्लेक्स सिनेमा है वहाँ पर, इस जगह में पहुँच गए थे। और कुछ ही देर मतलब दूर था, तो बस हमने रास्ते में बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, गाने चल रहे थे। और ये देखिए फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं फाइनली। और ये कि हम यहाँ से जो है टर्न करके हमें दूसरे रोड पे जाना है, तो बस अब हम जाने ही वाले थे। आयशा सवेरा और हमने बहुत इंजॉय किया, सबको बहुत मज़ा आया, आप लोग भी हमारे साथ इंजॉय। यहाँ से इसकी एंट्रेंस है और यहाँ पर गाड़ी वगैरह एक मिनट, ये बाहर का वंडरलैंड और ये आयशा है। चलो आ जाओ, पर गाड़ियाँ पार्क हो रही है, क्या हो रही है पार्क, गाड़ी पार्क ग्रिल के साथ जा रहे हैं। हाँ, ये रेस्टोरेंट है, और यहाँ पर जो है वो काफ़ी बुटीक वगैरह हैं, काफ़ी दुकानें हैं बड़े बड़े ब्रांड्स की। और ये देखिए अल्पीना ब्रांड्स की इसके शॉप है, यहाँ पर बुटीक है। और ये कि अभी हम इंटर हो रहे थे यहाँ से, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था यहाँ पर। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी सिर्फ बाहर का ही दिखा रही हूँ। और काफ़ी जगहों में इन्होंने हमें वीडियो बनाने से रोक दिया था कि यहाँ पर वीडियो मत बनाओ, यहाँ पर वीडियो अलाउ नहीं है, हम आपको यहाँ का $1 शॉप की वीडियो दिखाएंगे थोड़ी सी जो मैंने बनाई है, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था कि $1 शॉप की भी वीडियो नहीं बनाए। और ये देखिए इतना प्यारा सा फवारा सा लग रहा था, यहाँ पर पानी बहुत ठंडा था और यहाँ पर ठंड भी लग रही थी हमें। तो ये देखिए कितनी खूबसूरत और कितना लंबाई है इसकी, मतलब बहुत ऊंचा बना हुआ है बिल्डिंग बहुत। और ये देखिए बच्चे यहाँ पर पिक बना रहे थे, यहाँ पर आराम और आयशा के यहाँ पिक ले रहे थे हम लोग। शानदार तरस का बना हुआ ये लकी वन मॉल है और ये इसकी एंट्रेंस है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अभी जो है मास्क का इंतज़ार कर रहे हैं, मास्क लेके आ जाए उसके बाद हम अंदर जाएंगे। अजान भी हो रही है ईशा की, हम ईशा के वक्त पहुँचे हैं यहाँ से, अंदर जाते फिर आपको उस जगह व्यू दिखा रहे हैं। अच्छा, इनके एंट्रेंस में जो है जैसे इंटर हुए तो इन्होंने वीडियो बनाने मना कर दिया था, यहाँ पर्स वगैरह चेक कर रहे थे मशीन से। और यहाँ पर बस मैंने मोबाइल जो है ऑफ़ कर दिया था, आपके अंदर की वीडियो दिखाती हूँ मैं। और ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ इंटर होते ही सामने ये बड़ा सा हॉल जो है यहाँ का बहुत ही खूबसूरत सा बना हुआ था ये देखिए। और ये जो है यहाँ सीढ़ियों से नीचे जाते हैं और ये सीढ़ियाँ तो देखी होगी आप लोगों ने, अगर आप लोग लकी वन गए हो तो काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए होते हैं। और ये देखिए बहुत ही बड़ी सीढ़ियाँ थी, काफ़ी ऊँचाई में बनी हुई थी। और ये देखिए सामने चारों तरफ जो इन्होंने की शॉपिंग मॉल बनाई हुई थी, दुकानें वगैरह बनी हुई थी यहाँ पर, जूतों की दुकानें थी, शॉप थी। और ये 50% ऑफ थी, हर दुकान में सेल वगैरह लगी हुई थी। और यहाँ पर ये देखिए यहाँ से इंटर हुए थे हम और अब हम नीचे जा रहे हैं स्टूडियो से, तो सीधा सीधा उतर रहे थे कि स्टूडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ी थी ऊँची।
सामने खड़े हो, सामने खड़े, सामने खड़े, हाँ और सामने जाओ। बाय बाय आयशा, बाय बाय। अच्छा लड़की है ना, मेरे कहा ना कोई ना, चले गए छोड़ के, रो रही है, रो रही है सवेरा। लड़का 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 कारो बड़ो पूरा आश्रम आया तू लगा मेरे हेलो इससे पहले कि बच्चे देर को घर में जाओ मारे। और ये आयशा राम राइट लेके आ गए, हम यहीं पे आयशा राम आ गए। गाड़ी में कैमरा लगा है, पूरे लकी बनवास मिली थी तो बहुत ही पूरे लकी बनवास मिली बहुत बोला थी। और अब हम जो है वो सेकंड फ्लोर पे जा रहे थे वंडरलैंड जहाँ पर बना हुआ था, और ये लिफ्ट के हम खड़े हुए थे, लिफ्ट नीचे आएगी तो उसके बाद जो है फिर हम इस पे जाएंगे ये लिफ्ट। और यहाँ पर जो है SOPs का भी बहुत ज़्यादा ही ख्याल था, और जब हम लिफ्ट पे बैठे तो अजीब सा ही लग रहा था बिल्कुल ना, पता नहीं हर वक्त बैठते हैं लेकिन इस बार उतनी क्या हुआ था, एक अजीब सी चक्कर से आ रहे थे। और ये देखिए लिफ्ट अंदर से बहुत प्यारी बनी हुई थी, साफ़ सुथरे थे, बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल था। और यहाँ पर ये देखिए हम लोग बाहर आ गए लिफ्ट से, और अभी वंडरलैंड की तरफ जा रहे हैं जी। वो देखो सबू भी जा रही है पापा के साथ, और ये देखिए ये बॉल बहुत प्यारी लग रही थी तो हमने यहाँ पर थोड़ी पिक ले ली थी। और ये देखिए यहाँ पर जो रेस्टोरेंट है ऊपर से व्यू इसका दिख रहा था, बारबेक्यू टुनाइट रेस्टोरेंट है यहाँ पर। और ये और यहाँ पर ये देखिए हाउस ऑफ टी है, यहाँ पर चाय वगैरह मिलती है। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत इन्होंने छत पे जो है बनाए हुए थे, पर ऐसा लगता है बर्ड्स उड़ रहे हैं। और ये देखिए डंकिन डोनट्स है हर चीज़ के, मतलब ऊपर जो ज़्यादातर खाने पीने की चीज़ें भी हैं। और ये इसके सामने जो है बिल्कुल वंडरलैंड है, तो वंडरलैंड जो हम बस जाने ही वाले थे तो उन्होंने वीडियो बना कर दी थी, वीडियो मत बनाओ। ये देखिए तो ये सब बच्चे वगैरह वहाँ तक पहुँच गए थे, तो हमने वहाँ का वो पूछा उनके कार्ड कितने का बनता है, तो इन्होंने कहा कि हम जो है मिनिमम जो है वो 3000 पे आपका कार्ड बनेगा, तो हमारी वो रेंज से बाहर था तो इस वजह से हमने कार्ड नहीं लिया। और इन्होंने देखिए वीडियो बनाने से मना कर दिया कि वीडियो नहीं बनाओ, तो बस वीडियो कैसे। अब हम नीचे जा रहे थे क्योंकि वंडरलैंड तो जाना नहीं हुआ था, तो इस वजह से बच्चे रो रहे थे। मैंने कहा चलो कोई मसला नहीं है फिर हम आ जाएंगे, फिर बच्चे कुछ जो दूसरी राइड्स हमने करवा दी थी। और ये देखिए कैंडी शॉप थी यहाँ पर, जेली और ये बाकी कपड़ों वगैरह। और यहाँ पर जो है वो बच्चों को राइड दी थी आयशा, और हम दोनों कार में राइड लेके आ गए। उनकी वीडियो नहीं बनाई थी मैंने जाते वक्त की, वापसी जब आए तो उनकी वीडियो बना ली है मैंने। और ये देखिए फ्रेंड्स आयशा को उतरने की इतनी जल्दी हो रही है कि वो गाड़ी को रुकने भी नहीं दे रही है और आयशा को उतरने में ही लगी है। देखिए फिर 1 मिनट गाड़ी पार्क हो जाए, अब आयशा की कार जो है वो स्टॉप हुई है, उसके बाद जो है हम सवेरा को बिठाएंगे। यहाँ पर ये देखो फ्रेंड दो बंदों की जगह है लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक बच्चे को बिठा रहे हैं, और सवेरा जबकि छोटी है फिर भी वो नहीं बिठा रहे थे, वो कह रहे थे अलग ही बिठाओ सवेरा को, चाहे वो चोट लगे या गिरे या कुछ भी हो उनकी जिम्मेदारी है। और सवेरा को बिठा रहे हैं, और ये देखिए बहुत ही थोड़ी सी राइड दे रहे हैं, और ये है 100 रुपीज की पर राइड है एक बच्चे की। और ये बैठी के सवेरा डर रही है, डर रही है, चलो पकड़ी हुई सही है।
अच्छा अच्छा साथ जा रहे हो ना। अच्छा अच्छा ये लो मोबाइल, वीडियो बनाते जाओ। नवेरा मेरा तो मजा आ रहा है। चलो 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 और ये देखिए फ्रेंड्स डॉलर वर्ड यहाँ पर भी था, तो यहाँ की थोड़ी वीडियो छोटी करने लगी थी तो उन्होंने मना कर दिया। और यहाँ पर जो है 170 रुपीज़ की और काफ़ी छोटी शॉप बनाई हुई थी इन्होंने, कुछ खास नहीं था इतना, बस यहाँ से बच्चों को टॉयज वगैरह दिला दिए थे। और ये देखिए बस थोड़ी सी वीडियो मैंने शूट की तो उन्होंने पीछे से आवाज़ लगा दी कि आप वीडियो शूट ना करें, तो मैंने बंद कर दी। हमारे जो इलाकों में इससे अच्छी चीज़ें मिल रही हैं और यहाँ पर जो इतनी खास चीज़ें नहीं रखी हुई थी, काफ़ी बस जितनी मैंने वीडियो बना सकी मैंने बना ली है। और मतलब कि इतनी कोई खास चीज़ें नहीं रखी हुई थी, जैसे लकी वन मॉल है, मॉल में तो अच्छी चीज़ें रखते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ खास नहीं थी। ये देखिए छोटे से ये मेकअप का सामान वगैरह था। और ये उसके बाद जो है बाकी दूसरी शॉप से सैंडल्स वगैरह की, बहुत ही प्यारी प्यारी सैंडल्स थी और हमने तो पूछने की कोशिश नहीं की, बहुत ज़्यादा ही महंगे होंगे। और यहाँ पर जब बच्चों के न्यू बॉर्न सूट देखे तो वो भी बहुत प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे, तो यहाँ पर हमने प्राइस देखे तो एक एक सूट के 2000-1900 और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे रोम पर बच्चों के न्यू बॉर्न बेबी के, तो यहाँ के प्राइस भी बहुत हाई थे, तो हमारी रेंज से बाहर थे इसलिए हमने नहीं लिए यहाँ से कुछ। और बस उसके बाद जो है ये बच्चों को ना हॉर्स राइडिंग करवाई, बच्चे बहुत खुश हो गए थे यहाँ पर। सवेरा जो आयशा और हमने हॉर्स राइडिंग की, बहुत अच्छा लगता पोनी राइड ना ये, और यहाँ पर इस आयशा जो राइड ले चुकी थी एक और वापस अब आ रही है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था ये भाग रहे है। अरे वाह आयशा पोनी वाली है तो। आयशा को तो बड़े मजे आ रहे है। ओ अरम व्हाइट घोड़े में बैठा है। आयशा मजा आ रहा है इसके आयशा के पापा। ये देखिए फ्रेंड्स अरम भी घोड़े में, छोटे से घोड़े में, और आयशा का घोड़ा थोड़ा बड़ा है। हाँ अरम चलाओ चलाओ। और अब सवेरा भी बैठने लगी है लग रहा है। ओ पांडे में ये लायन में देखिए आ जाए। अरे उसको नहीं हरा इसे। अरे वाह आयशा इस तरफ टर्न कर, यहाँ लेफ्ट साइड पे। हाँ सवेरा नहीं जा सक रही है। और यहाँ पर जो है सुपर हीरोज दिखे थे तो आयशा और सवेरा इन बच्चों की पिक्स ले ली थी यहाँ पर, बस ये आखिर था और यहाँ से हम निकलने ही वाले थे और काफ़ी मज़ा आया हमें। आप लोग भी आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। और ये देखिए आयशा गुस्सा हो गई है। और यहाँ पर मिनीसो की शॉप भी थी, काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें थी यहाँ पर, ये कि फूड कोर्ट वगैरह भी काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ। तो अब बस हम बाहर आ गए हैं यहाँ पर और अब हम गाड़ी का वेट कर रहे थे। तो बस आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी, वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और आयशा को बर्थडे विश भी कर दीजिएगा। फ्रेंड्स आयशा की बर्थडे 5 फरवरी है, तो आयशा की बर्थडे हो लग गई है, आयशा के बर्थडे का दिन है। तो बस जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।